दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बेस्ट ऑफलाइन नहीं, आज वो नहीं, आज हम लेकर आए हैं टाइप्स ऑफ डुप्लीकेट्स इन मार्केट्स, हेडफोन टाइप्स डुप्लीकेट इन मार्केट। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं मैनी टाइप्स ऑफ डुप्लीकेट्स हेडफोन्स इन द ऑफलाइन मार्केट। ऑफलाइन मार्केट में आपको बहुत सारे ब्रांडेड हेडफोन्स देखने को मिल जाएंगे और आई थिंक ये डुप्लीकेट हेडफोन्स हैं जो कि हमने आपके लिए परचेज़ किया है। और आज की स्पीड पर हम इन्हीं सारे हेडफोन्स पर आपको रिव्यू देने वाले हैं कि क्या ये हेडफोन्स, इस पर बोट का है, सैमसंग लेवल यू का है, वन प्लस का है, बहुत सारे हेडफोन्स हैं। और बाकी बहुत सारे हेडफोन्स तो हम लेकर ही नहीं आए हैं, इतने ज़्यादा कॉपीज़ आने लगे हैं हेडफोन्स की और लोगों को आई थिंक बेवकूफ भी बनाया जा रहा है ज़्यादा पैसे लेकर। हाँ ठीक है, इनको बेचना ठीक है, लेकिन इनके प्राइस के हिसाब से बेचना इनको ठीक है और इन्हें ओरिजिनल ना कहकर बेचा जाए तो फिर ज़्यादा बेटर रहेगा, या फिर इन्हें कॉपी भी ना कहा जाए, क्योंकि ये तो बिल्कुल फर्जी या डुप्लीकेट है, केवल बॉडी सेम है, बाकी सब कुछ तो 50 रुपये वाला ही है। तो आज की इस वीडियो पर हम इन्हीं की सारी पोल पट्टी खोलने वाले हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए और इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और पास वाले बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर कर दें, अब तो वीडियोज़ भी रेगुलरली आने लगी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की अमेजिंग वीडियो। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं, मेरे पास 4 हेडफोन्स हैं और बाकी एक दो फेड़ा हेडफोन हम नहीं लेकर आए हैं, और एक मेरे पास ओरिजिनल हेडफोन्स भी रखा है जिसकी हम कॉपी लेकर आए हैं। और आई बटन में लिंक दिए जहां पर हमने बोट के 235B2 को ओरिजिनल और डुप्लीकेट को कंपेयर किया है। तो दोस्तों सबसे पहले मेरे पास है सैमसंग का लेवल यू हेडफोन जिसकी ऑनलाइन कीमत 2400 से कुछ 2600 रुपये यानी 2500 के लगभग है, और ये जो मार्केट में इसकी बिक्री ये 500 है और बिल्कुल सेम टू सेम देखने लगता है। अगर कोई भी बंदा ज़्यादा जानकारी नहीं रखता है तो वो इसको परचेस कर सकता है, बस क्या है कि इसकी वॉइस क्वालिटी से आप पहचान सकते हैं कि ये डुप्लीकेट है, इसलिए यहाँ पर कोई आपको नहीं बेवकूफ बना सकता है। सेकंड हमारे पास है बोट का रॉकर्स 235B2 जिसको हमने कंपेयर कर दिया है, तो आप वहाँ पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं। और इसको भी मार्केट में ऑनलाइन 1200 का बेचा जाता है और वहाँ पर वो कहते हैं कि ये 1200 का ऑनलाइन है, हम यहाँ पर केवल 500-700 का देते हैं। तो आज इसको भी हम लेकर आए, अभी सारी डिटेल्स आपको बताएं, पहले दिखा देते हैं कौन कौन है। और यहाँ पर बोट के एक दो पीस और हैं जो कि ऑफलाइन प्राइस ऑफलाइन ही है, ऑनलाइन नहीं मिलते हैं, तो मतलब बोट है और कुछ इस पर ये वन प्लस भी है। तो जी हाँ, आज की इस वीडियो पर यही सारी चर्चाएं हम करते हैं। तो थोड़ा कैमरे को भी ले चलते हैं अपने स्क्रीन पर, यहाँ पर आपके सामने थोड़ा नीचे करके दिखाते हैं, आपको इंट्रोड्यूस करते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, अनबॉक्सिंग भी करते हैं यहाँ पर सामने। तो ये हमारे पास जो भी हेडफोन्स है, इसमें सबसे पहले हम ओपन करते हैं सैमसंग लेवल यू को। तो सैमसंग लेवल यू को हम जब ओपन करते हैं और इसको बाहर निकालते हैं तो यहाँ पर हमको जो ये पैकिंग देखने को मिलती है, सबसे पहले आप ये ध्यान रखना कि ओरिजिनल वाले में आपको पैकिंग बहुत ज़्यादा सुपर क्वालिटी की देखने को मिलेगी बजाय लोकल वाले के हेडफोन्स की। कोई बात नहीं, पैकिंग को हम यहाँ पर फोकस ना करते हुए हेडफोन्स को बाहर निकालते हैं। तो जब हेडफोन्स का लुक देख रहे हैं, लेवल यू लेवल यहाँ पर लिखा हुआ है और बिल्कुल सेम टू सेम उसी की तरह, कोई भी ज़्यादा डिफरेंस यहाँ पर देखने को नहीं मिलता है, सेम टू सेम देखने को मिलता है। अब जो इसकी क्वालिटी है, जो नेक में आप क्वालिटी इसकी देखेंगे तो आई थिंक वो इतनी ज़्यादा बेटर नहीं है, क्योंकि 500 और 2500 में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। तो ये कुछ इस तरह का है और बाकी स्क्रीन पर हमारी देख ही रहे हैं क्वालिटी इसकी, हमें तो ज़्यादा बेटर देखने में नहीं लग रही, लेकिन सेम टू सेम क्वालिटी ज़्यादा बेटर नहीं, हमने क्वालिटी को चेक किया है, देन आपको वीडियो में कंटिन्यू करें। तो इसको भी यहाँ पर रखते हैं। और बाकी अगर हम इसके बॉक्स की बात करते हैं तो बॉक्स यार बिल्कुल लेवल यू की तरह है, कोई भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं है इस बॉक्स में, बाकी पीछे भी मेंशन की गई डिटेल्स और ओरिजिनल लेवल यू हेडफोन्स ऑल द MRPs लिख कर दी गई हैं, जो कि आपको शायद मेरी वीडियो में ना दिख रहे हो। कोई बात नहीं, हम कोई बात नहीं, लोकल है, बस इसको भी रखते हैं साइड से। अब हम आते हैं अपने सेकंड बोट रॉकर्स 235। इसने तो भाई मार्केट में कमाल ही कर रखा है। अब ऐसा क्यों मैं कह रहा हूँ, बिकॉज ये जो पीस है ये तो लेटेस्ट पीस है और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है बोट रॉकर्स लोकल फेक जो भी आप कहेंगे डुप्लीकेट, और ये है मेरा ओरिजिनल, कोई भी फ़र्क नहीं है इन दोनों हेडफोन्स में। तो इसको भी रखते साइड में। अगर बाकी इसके बॉक्स की बात करते हैं तो बॉक्स पैकिंग में सारा कुछ आपको देखने मिलता है जो कि आपको ओरिजिनल वाले में देखने मिलता है। देखिए आपको जो रबड़ वगैरह है वो भी देखने को मिलते हैं, एक मिनी डाटा केबल भी देखने को मिलती है जिसकी क्वालिटी वही बस लोकल घटिया कह सकते हैं। तो ये भी मतलब कुछ इसी प्रकार का है, इसको भी हम रखते हैं साइड से।
और बॉक्स सारे ओपन ही रख देते हैं। अब हम आते हैं यहाँ पर बोट के एक और हेडफोन्स है, जहाँ पर इसकी अगर हम क्वालिटी की बात करें तो यार इट्स बिगनिंग में 100% ओरिजिनल। वो कैसे, वो कुछ इसी प्रकार है कि बोट की तरह बिल्कुल पैकिंग वहाँ पर उनके बोट का lifestyle.com, उनके ट्विटर का बोट facebook.com निर्वाणा, जो भी instagram.boat.com निर्वाणा और बोट निर्वाणा, मतलब जो भी यहाँ पर लोकल्स इनकी सोशल मीडिया वेबसाइट दी गई है वो सारी मेंशन की गई हैं। बाकी हेडफोन्स की जो पैकिंग है वो भी एकदम प्रीमियम है, बैक साइड भी प्रीमियम है एकदम, मतलब कह सकते हैं भाई कि हाँ है। और इसको मैंने मार्केट से पिकअप किया है और आपके सामने अपनी वीडियो को कंटिन्यू कराओ। और बाकी जो इसकी पैकिंग क्वालिटी है, वाह भाई एक मिनट अभी दिखाते हैं, ये भी लगभग आपको ओरिजिनल देखने को मिलती है। देखिए सबसे पहले आपको वारंटी कार्ड देखने को मिलता है, मैनुअल गाइडिंग देखने को मिलती है, ये तो मार्केट में मिल जाएगी 2 रुपये की, आप कहीं से भी खरीद सकते हैं। और ये बॉक्स है यहाँ पर, ये जस्ट खाली है लेकिन कुछ पत्रिकाएँ और हैं यहाँ पर, तो आप ये देख रहे हैं इसका ये पत्रिकाएँ, तो इसको भी मिसिंग डाल देते हैं। अब ये जो पैकिंग की गई बॉक्स की, ये ज़्यादा बेटर है उस वाइट वाले से, पैकिंग भी अच्छी है काफ़ी। तो यहाँ पर भी आपको रबर्स दी जाती हैं कानों में लगाने के लिए, और बाकी माइक्रो यूएसबी केबल। और ये हमारा रहा बोट का नेक बैंड, तो जो ये नेक बैंड है ये मुझे लगभग ठीक लगाएगा, 500-700 में आपको मार्केट में मिल जाता है, तो ये कोई ख़राब नहीं है। वॉइस क्वालिटी इट्स गुड आई कॉन्ट से, बट लॉन्ग टाइम के लिए हम इसके बारे में कुछ भी नहीं कह सकते हैं, लेकिन बस ये ओके है। मतलब अगर इसको प्राइस के सब देखा जाए तो ये हैं कुछ हेडफोन्स जो आप देख सकते हैं, ये डुप्लीकेट हो जाएगा यहाँ पर बस प्राइस के हिसाब से। तो इसको भी ज़रा हम अगर पैक करते हैं यहाँ पर, और इसको भी हम रखते हैं साइड से। अब आते हैं अपने लास्ट वाले वन प्लस बुलेट, जी हाँ भाई वन प्लस बुलेट, इसको हम कह सकते हैं वन प्लस वर्ल्ड्स वायरलेस क्वालिटी स्टीरियो साउंड। और यहाँ पर लैंग्वेज 120 डेसिबल्स, लाइन कंट्रोल्स, स्टीरियो साउंड, बहुत कुछ डिटेल्स मेंशन की गई हैं। और बॉक्स की पैकिंग मैं आपको क्या ही बताऊं, पैकिंग करने वाले इतने ज़्यादा बेवकूफ़ हैं, नहीं अच्छा नहीं लगेगा ना। देखिए ये वन प्लस की यहाँ पर इस तरीके की पैकिंग है, और इसको अगर हम बैक करते हैं तो उल्टा हो जाए, यानी बैक में इससे कह भाई लोकल की भी हद होती है। और इसकी भी पैकिंग कुछ हद तक ठीक है, इसमें आपको कोई भी मैनुअल गाइड नहीं देखने को मिलती है, ना इसमें आपको कुछ रबड़ वगैरह देखने को मिलती हैं। तो ये निकल जाता है हमारा वन प्लस बुलेट, और इसकी क्वालिटी आई थिंक ओके बट नॉट टू गुड। मतलब अगर हम लोकल वाले हेडफोन्स की, जो भी हमारी ये सारे हेडफोन्स हमने यहाँ पर बात की है आपके सामने, अगर हम इनकी बात करें इनके रिव्यू की, तो आई थिंक नॉट कम्फर्टेबल फॉर लॉन्ग टाइम, ओनली यू कैन यूज़ इट, केवल आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और आप मार्केट से बहुत ज़्यादा मतलब बचकर रहिएगा, क्योंकि मार्केट में बहुत तरीके के डुप्लीकेट्स आने लगे हैं, आई थिंक आप भी खरीदते होंगे मार्केट से। ऑफलाइन डुप्लीकेट है बट आप इनको ओरिजिनल समझ कर नहीं ले सकते हैं, बिकना अलाव है, लोग खरीदते हैं, जो 1200 से 1500 2000 नहीं ले पाते हैं वो इनको खरीद सकते हैं। और बाकी नेक्स्ट वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा नॉलेजफुल, बहुत ज़्यादा कड़कती धड़कती होने वाली, और मुझे भी बस नींद आ ही रही है, तो आपके लिए वीडियो करते हैं एंड। फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थंबनेल क्लिक कर लें।